का और इनका ये मैं आपको और भी अभी दिखा देता हूं, तो आप इस चीज को देख लीजिए। इनहेरिटेंस टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है या कांग्रेस लगाना चाहती है? तो आज की डेट में विरासत का टैक्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक गुप्त एजेंडा है। अच्छा, की पार्टी के नेता सात समंदर पार बैठे क्यों बात कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में इस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं गौरव भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये उनका निजी बयान था और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? पार्टी कह रही हमने तो इसको हटा दिया था, ये तो बीजेपी के नेता है जो लगाना चाहते हैं। सैम पित्रोदा बीजेपी के नेता है? सैम पित्रोदा तो आज तक जो है पहले श्रीमान राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार थे, कालांतर में श्रीमान राहुल गांधी के जो है वो गुरु के रूप में प्रकट हुए, तो वो सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी की बातें करने लगे, उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ दे रहे हैं अभी। लेकिन अब इनकी लगातार जो है प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही, मुस्लिम तुष्टिकरण के, तो आप तो कह रहे हैं सबका साथ सबका साथ में, आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये अगर सबका साथ सबका विरोध कर रहे हैं तो आप तो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मुस्लिम मुस्लिम कहे वो मुस्लिम मुस्लिम कहे तो हम हिंदू का नाम भी ना लें। ये तो एससी एसटी का आरक्षण जो है अधिकार छीनकर वो मजहबियों को देना चाहते हैं, कर्नाटक में उन्होंने किया। हेलो, जय हिंद, नमस्कार और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुद बयान देकर अपनी ही लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं, यानी कांग्रेस के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने पर लगे हुए हैं। सैम पित्रोदा के बयान से ऐसा लगता है जैसे वो कांग्रेस का नहीं बीजेपी के लिए काम करता हो, और इनके काफी सारे नेता ऐसे ही हैं जो बयानों के अंदर कांग्रेस की ही क्लास लगा डालते हैं। आजकल कांग्रेस का कहना है अगर हम सत्ता में आए तो अमीरों से पैसा लेंगे और गरीबों में पैसा बांटेंगे। लेकिन कर्नाटक का मॉडल देखा जाए तो कर्नाटक में ये सारा तुष्टिकरण का खासकर मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने चोरी से मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में डालकर उन्हें भी आरक्षण का लाभार्थी बना दिया, जबकि हमारे संविधान ने इसे निषेध किया हुआ है कि धर्म के आधार पर कभी किसी को हम आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की जहां सरकार है उसे तुष्टिकरण तो करना है, मुस्लिम प्रेम तो दिखाना ही है। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा ये है कि जब चमचे इन बातों को लपेटने के लिए आते हैं तो चमचे जोर शोर सर ये कहते हैं कि ये कांग्रेस के निजी बयान नहीं है। इसी पर आज की डिबेट के अंदर प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को अच्छे से रगड़ा है, अच्छे से उधेड़ा है। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को 1000 लाइक जरूर दे दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज़्यादा बात न करते हुए पहले खुद ही वीडियो में चलते हैं। किसकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहते हैं आप? हम तो भाई देखिए किसी की विरासत पर ना टैक्स लगाना चाहते हैं, ना लगाएंगे, ना कुछ है। और आप बस इतना जरूर देख लीजिए, गौरव भाई बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप अमित मालवीय को तो जानते ही होंगे। ये उनका पोस्ट है, पहले ट्वीट कहते थे इसको, इसको देख लीजिए जरा सा और देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जयंत सिन्हा का जो इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया है ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ। जयंत सिन्हा जो है भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री होते थे 2014 में अरुण जेटली जी के साथ में, ठीक है ना। अरुण जेटली जी का और इनका ये मैं आपको और भी अभी दिखा देता हूं, तो आप इस चीज को देख लीजिए। इनहेरिटेंस टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है या कांग्रेस लगाना चाहती है? तो आज की डेट में विरासत का टैक्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक गुप्त एजेंडा है। आपकी पार्टी के नेता सात समंदर पार बैठे क्यों बात कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में इस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं गौरव भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये उनका निजी बयान था और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं, जयराम रमेश साहब कह चुके हैं, हम आधिकारिक रूप से इस बयान का खंडन कर चुके हैं। कभी तालिबान की बातें करेंगे तो हम जब कहते हैं कि साहब तालिबान का शासन तो आप लाना चाहते हैं, 400 से ज्यादा इसीलिए आप मांग रहे हैं सांसद, क्योंकि आपके सारे के सारे जो लोग हैं चाहे वो कर्नाटक का सांसद हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लल्लू सिंह हो, चाहे कोई हो, कि साहब हमें अरुण गोविल हो, वो कहे कि हमें 400 सांसद इसलिए दो कि हम संविधान चेंज करना चाहते हैं, तालिबान का संविधान लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान को इन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए, तालिबान जैसे आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में 200 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। क्या संघ के लोग या भाजपा के लोग तालिबान से ट्रेनिंग लेना चाहते? पार्टी कह रही हमने तो उसको हटा दिया था, ये तो बीजेपी के नेता है जो लगाना चाहते हैं। सैम पित्रोदा बीजेपी के नेता है? सैम पित्रोदा तो आज तक जो है पहले श्रीमान राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार थे, कालांतर में श्रीमान राहुल गांधी के जो है वो गुरु के रूप में प्रकट हुए, तो वो सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी की बातें करने लगे, उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ दे रहे हैं। अभी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये कर रहे हैं, विरासत कर की बात ये कर रहे हैं, अमेरिकी मॉडल को लाने की ये बात कर रहे हैं, इटली का नेता ये अडॉप्ट करते हैं। तो भाई अंग्रेजों की सेवा के लिए संस्थापित पार्टी इनकी रही है, तो सारा जो है तो आप ये कह रहे हैं ना प्रेम जी, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो अगर सत्ता में आए तो विरासत टैक्स ले आएंगे, आप ये कह रहे हैं? सैम पित्रोदा तो यही कह रहे हैं, और सैम पित्रोदा के श्रीमान राजीव गांधी से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक
वो किसी के मित्र थे और किसी के गुरु है, ये सत्य नहीं है क्या? आज सैम पित्रोदा के बयान को आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उस समय मुद्दा क्यों नहीं बनाया था जब आपकी पार्टी के नेता उसका समर्थन कर रहे थे? ये तो कांग्रेस को बनाना चाहिए था मुद्दा, जिसने हटाया था, फिर तो लगाया किसने था अभी बता दीजिए। गौरव जी, ये सुरेंद्र राजपूत की पार्टी ने ही लगाया था ना, ये टैक्स लगाया किसने था? टैक्स तो जो है श्रीमान इंदिरा गांधी ने लगाया था ना। इस देश में 95% तक इनकम टैक्स किसने लगाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी की ना, और तब उनके आर्थिक सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हुआ करते थे ना, ये सत्य है कि नहीं है? और श्रीमान जयंत सिन्हा के बयान का भाजपा ने कभी जो है गंभीरता से लिया नहीं। अगर जयंत सिन्हा का बयान निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं होकर वो निजी कैपेसिटी से बोल रहे हैं, तो फिर क्या अंतर है? बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये भी सैम पित्रोदा ने अपनी निजी कैपेसिटी से बोल। गौरव जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो राज है पूरी न्याय यात्रा इसी लाइन पे बात की है, उनके घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 6 पे इसी लाइन पर बात, और पृष्ठ क्रमांक 28 उसी की तस्दीक कर रहा है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रखी जा रही है ना। अच्छा अच्छा, तो उसी लाइन पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ऐसी कोई लाइन आप 2014-19-24 दिखा दीजिए। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी ओछी भाषा पर क्यों उतर आए हैं, सवाल ये है आज की डेट में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कर्नाटक में आपने मुस्लिमों को ओबीसी में कोटा दिया या नहीं दिया धर्म के आधार पर, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी तक ऐसी कोई मेरे पास सूचना नहीं, कोई बात है जो आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, ये विषयांतर हो क्यों रहा है? ये विषयांतर, ये सब ये कभी कल की डेट में अभी कर्नाटक ले आएंगे, फिर केरल ले आएंगे, फिर ये कहीं और ले आएंगे, फिर ये डंडू खाना चंडू खाना पता नहीं कहां कहां, तो हमारी सरकार राजस्थान से चली गई, नहीं तो ये और ले आएंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं की बात, फिर राष्ट्रीय खुद कह रहे हैं यूपी में सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है, कर्नाटक में जो आरक्षण का अलग अलग कैटेगरी है ओबीसी के, उसमें टू बी में मुस्लिमों को, सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है। एक आरोप ये लग रहा है आप पर, जो कि विपक्षी पार्टी कह रही है, इस डिबेट में भी आई, कि पहले फेज के बाद आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए अब अपने कामों की बजाय, अपने विकास के मुद्दों की बजाय आप यहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। देखिए, पहले फेज में ही जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र में वही बातें दोहराई गई जो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में 1936 में थी, जैसे उन्होंने कहा था बहुसंख्यकवाद के विरोध में हमें, और मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात 1936 में की गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ जो है उनको बढ़ाएंगे, उसको संरक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और पर्सनल लॉ की ही बात मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले फेज में ही मुस्लिम लीग से कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे मिल रहा है, ये पहले चरण के मतदान के एक सप्ताह पूर्व ये चीजें रेखांकित की थी। लेकिन अब इनकी लगातार जो है प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही, मुस्लिम तुष्टिकरण तो आप तो कहते हैं सबको साथ लेकर वो मुस्लिम कहें तो हम हिंदू का नाम भी ना लें। ये तो एससी एसटी का आरक्षण जो है अधिकार छीन कर वो मजहबियों को देना चाहते हैं, कर्नाटक में उन्होंने किया। आज ही जो है, कल ही जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा बताया कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही सारे मुसलमानों को इन्होंने पिछड़ा आयोग में वर्गीकृत करके हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अधिकार को छीन कर जो है वो एक मजहब विशेष के लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। मजा आया। जिस पार्टी की नींव ही तुष्टिकरण से हो तो वो कैसे अपनी बयानों से पीछे हट सकती है, वो कहीं ना कहीं उसको तुष्टिकरण का या मुस्लिम प्रेम तो दिखाना है ही। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी शुरू से इसी लाइन पर चलती आई है, लेकिन अब की जनता को समझ आ रहा है कि कांग्रेस क्या करती है या क्या करती आई है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम जी।